हेलो फ्रेंड्स, सुषमा क्रिएटिव गार्डन में स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ डेफिनबेकिया प्लांट। इसकी कटिंग कैसे लगानी है, इसे कैसे ग्रो करना है। डेफिनबेकिया बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी पत्तियाँ बहुत सुंदर दिखती हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी सी, और इंडोर रखने के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। और इसमें बेबी प्लांट्स देखिए नीचे से निकलते रहते हैं। तो इस प्लांट को ग्रो कैसे करना है यही बतानी है फ्रेंड्स। ये प्लांट बहुत ही अच्छा है इंडोर रखने के लिए, बहुत कम मेंटेन करना पड़ता है इसे। ये घर के अंदर बहुत इजी चलने वाला पौधा है। इसे आप कहीं पे भी रखिए, थोड़ी ब्राइट लाइट में रखें और बहुत ही अच्छे से चलता है। घर के अंदर भी थोड़ी ब्राइट लाइट इसे मिलती हो तो अच्छा है। इसे धूप में बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, ये कम धूप में भी चलता है। कम धूप, धूप नहीं भी मिले तब भी इसके लिए अच्छा है। अगर इस प्लांट को घर के अंदर रखते हैं तो वीक में एक दिन इसे हम बाहर निकालेंगे, थोड़ी सी इसे रोशनी भी मिलनी चाहिए बाहर की। लेकिन गर्मी में धूप तो बिल्कुल नहीं, सर्दियों में इसे हल्की फल्की धूप मिले तो चलेगा। और ये प्लांट हमेशा बना रहता है, एक बार इसको अपने गार्डन में ऐड कीजिए तो कभी ख़त्म नहीं होता। इसे फिर चाहे तो आप जितने ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। इसे ग्रो करना भी बहुत ईजी है और बहुत कम केयर के साथ चलता है। और इसे एक बार जब हम लगाते हैं तो इसकी मिट्टी बहुत अच्छी बना लेनी चाहिए, जिसमें पानी जमता ना हो। पानी से इस प्लांट को बहुत प्रॉब्लम है, पानी में इसकी पत्तियां गलने लगती हैं। थोड़ा सा भी पानी अगर इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है और कंटिन्यू हम पानी डालते रहते हैं तो इसकी पत्तियां गलने लगती हैं। और धूप में भी इसे धूप में रखने के बाद इसकी पत्तियां जलने लगती हैं। तो ना ही इसे ज़्यादा धूप पसंद है और ना ही ज़्यादा पानी। तो इसे हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ धूप तो इसको नहीं मिलती हो, थोड़ी ब्राइट लाइट मिले और पानी इसे हम कम देंगे। ऊपर से जब इसकी मिट्टी सूख जाए फिर हम इसमें पानी डालेंगे। और इसकी मिट्टी हमेशा ऐसी बनानी चाहिए, वेल ड्रेन, जिसमें कि पानी जमता ना हो। पानी ऊपर से डालें तो पूरा पानी निकल जाए, पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए। और फ्रेंड्स, इसमें बेबी प्लांट बहुत सारा निकलते रहता है, तो चाहें तो हम इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और साथ ही बेबी प्लांट से भी इसको भी अलग शिफ्ट करके एक नया प्लांट बना सकते हैं। तो इसे कटिंग से लगाना है फ्रेंड्स। तो अगर सिंगल ब्रांच है तो इसकी कटिंग हम थोड़ा ऊपर लंबा लेंगे और फिर नीचे से इसमें ढेर सारे ब्रांच भी आ जाते हैं। तो इसकी कटिंग लेने के बाद फिर अगर लंबा है कटिंग तो उसमें हम ज़्यादा प्लांट बना सकते हैं। छोटी छोटी सी कटिंग, इसकी 5 इंच की कटिंग भी बहुत ईजी चल जाती है और बहुत फास्ट ग्रो करता है। सिर्फ लगाने का तरीका अलग है, चाहे तो इसकी लंबी कटिंग लगाएं या फिर छोटा छोटा भी करके। ये डम्फ केन की दूसरी वेराइटी है और ये कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है। और इसकी कटिंग बहुत छोटी कटिंग लगी हुई है, 5 इंच की। 5 इंच की कटिंग में भी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग तरीके से लगाना है इसकी कटिंग। इसकी कटिंग टेढ़ा करके लगाना है, देखिए इस तरीके से। ये सीधा नहीं, ये कटिंग है जो कि लगाया हुआ है, तो ऊपर से ये टेढ़ा करके रखा जाता है और हल्की मिट्टी फिर ऊपर से हम देंगे तो इसमें नीचे रूट बन जाता है और ऊपर से ये पत्तियाँ, इसमें नए नए ब्रांच भी आते हैं। इसे लगाने के लिए जब भी मिट्टी तैयार करें, मिट्टी में रिवर सैंड, कंपोस्ट और साथ में हम गार्डन सोइल, तीनों बराबर लेकर के इस प्लांट को लगाएंगे। और इस प्लांट को इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की हमेशा ज़रूरत भी नहीं होती फ्रेंड्स। साल में 2-3 बार इसे हम कंपोस्ट देंगे, उसमें भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। अब इसकी मिट्टी तैयार है, ये मिट्टी, ये इसमें मैंने रिवर सैंड नहीं मिक्स किया है, ये बालू मिट्टी है, इसमें रेत मिक्स है, तो इसमें मैंने थोड़ी कंपोस्ट मिक्स की है। और ये है कटिंग फ्रेंड्स, कटिंग को मैंने थोड़ा तिरछा कट किया है और ये लंबी कटिंग है। मुझे सिंगल लगाना है तो मैं इसे सीधा भी लगा सकती हूँ, और अगर ज़्यादा प्लांट बनाना है तो इसे 2 पार्ट में करके 3 पार्ट में करके इसको लगा सकते हैं, छोटा कटिंग करके। और इसे टेढ़ा करके लगाना है, इस तरीके से लगाना है, जिसमें कि नीचे जब नोड एरिया है तो नीचे रूट बनना शुरू हो जाता है और ऊपर से फिर नया ब्रांच निकलने लगता है। तो एक लंबा कटिंग से हम और ज़्यादा
छोटे छोटे कट करके और ज़्यादा प्लांट बना सकते हैं। बहुत ईजी ग्रो हो जाता है। कटिंग लगाने के बाद इसमें मिट्टी पूरा भर देना है। और फ्रेंड्स, इसमें पानी अभी डालेंगे। पानी इसमें डालने के बाद पानी पूरा नीचे से ड्रेन हो जाना चाहिए, इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। और दोबारा जब हम तभी इसमें पानी देंगे जब इसकी मिट्टी पूरा सूख जाए, तब दोबारा इसमें पानी देना है। बहुत कम पानी देना है। और ये प्लांट लगाने के लिए अभी बहुत सही समय है। ये गर्मी में बहुत ईजी लग जाता है। और साथ ही इस कटिंग को चाहें तो 2 दिन कट करके रखने के बाद भी लगा सकते हैं, तब भी ये बहुत ईजी लग जाता है और अच्छे से ग्रो करता है। मुझे सिंगल प्लांट बनाना है तो मैं अभी इसे सीधा लगा रही हूँ, लेकिन इसमें चाहें तो इसमें 2-3 प्लांट भी बन सकता है। फ्रेंड्स, बहुत ईजी ग्रो है करना इस प्लांट को। इसकी मिट्टी जब भी बनाएं तो पूरा हेल्दी, जिसमें गार्डन सॉयल, रिवर सैंड और कंपोस्ट तीनों मिक्स हो बराबर, और इसकी कटिंग इसमें लगा लें। अपने आसपास की हवा को भी फ्रेश करता है, शुद्ध बनाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।